कोऑपरेटिव बैंक का अभी हाल ही में दोस्तों एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है, तो सभी को एक जानने की इच्छा है कि आखिर कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, किस तरह का काम लिया जाता है एक क्लर्क से। तो मैं उन सब चीज़ों पे बात करूंगी आज के वीडियो में। तो मेरे आज की वीडियो में ना अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको इन शॉर्ट आपको बता दिया जाए, पासबुक हो गया, कैश हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दरोगा बनने से पहले मैं एक बैंक में थी। मैंने 6 साल काम किया है दोस्तों पटना में, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में एक क्लर्क के पद पर। तो बहुत सारे कमेंट उस बैंक के रिगार्डिंग आ रही है। चूँकि 6 साल काम करने की वजह से अनुभव है मुझे 6 साल का, तो जो भी बताऊंगी वो अनुभव के आधार पर बताऊंगी दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे उनको मेरा दिल से शुभकामनाएं, अच्छे से वहां पे सर्विस देना है दोस्तों। मुझे तो बहुत मजा आया, 6 साल काम किया मैंने। मुझे कहीं और जाना था दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो वर्दी, तो मुझे इस विभाग में आना था, इसलिए मुझे उस बैंक को छोड़ना पड़ा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, मेरी जो जॉब है ना वो 2016 नवंबर यानी कि 8 नवंबर 2016 को एक ऐतिहासिक घोषणा हुई थी दोस्तों, ठीक है। वो था नोटबंदी, मुझे तो यानी कि 16 नवंबर 2016 को मैंने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में एक क्लर्क के पद पर ज्वाइन किया था दोस्तों। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उस बैंक से जुड़ी हुई हैं जो कि मैं आज के वीडियो में इसके बताऊंगी। अलावा भी डाउट्स आपके रह जाते हैं ना दोस्तों, तो मैं जरूर आपके उन डाउट को क्लियर करूंगी। आप कमेंट में वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जब मेरी ज्वाइनिंग एक क्लर्क के पद पे हुई थी, यानी कि मैं 16 नवंबर 2016 को मैं एक क्लर्क के पद पर ज्वाइन की थी दोस्तों, तब नोटबंदी का वो दौर चल रहा था। और मैं सबसे पहला तो काम मैंने जो किया था मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। मैंने मैंने सबसे ऐसे कैशियर किया था, यानी कि मैंने कैशियर का पद संभाला था। आपको कैशियर में अगर रखा जाता है तो आपको इसके अलावा सैलरी के अलावा आपको कैश अलाउंस मिलेगा, ठीक है। यदि आपको फ्रंट डेस्क पे रखा जाता है तो आपको पासबुक का काम करना है, आपको ओपनिंग अकाउंट करना है, मतलब कि ओपनिंग अकाउंट, क्लोजिंग अकाउंट, ये सब सारी चीजें आपको करनी है। वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी जब आप नए जाओगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको ये सारी चीजों की आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो आपका आपको उस सब चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, बस आप जाइए, आप अपने जॉब को एंजॉय कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे चीजें सीखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम एज अ कैशियर, दूसरा काम होता है आपका ओपनिंग करना होता है अकाउंट, क्लोजिंग करना होता है अकाउंट, केवाईसी करना होता है, फ्रंट डेस्क पे आपको कस्टमर को डील करना होता है, मल्टीपर्पज काम रहता है। मैंने किया है 6 साल में, बहुत सारी काम आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए आप रेडी रहिए। अलावा भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप बेफिक्र कमेंट में जरूर अपना क्वेश्चन डालिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन सारे क्वेश्चंस का सलूशन देने की। बहुत सारी चीजें जैसे कैशियर तो हो गया, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, केवाईसी हो गया, इन शॉर्ट आपको ये सारी चीजें तो करनी ही है। कस्टमर डीलिंग करना है, रिसीट करना है, पेमेंट करना है। रिसीट क्या होता है, आप मान लीजिए कैश में बैठते हो तो जो भी कस्टमर पैसे देते हैं रिसीट के माध्यम से देते हैं, वो आपको रिसीव करना है, आपको सिग्नेचर करके उसको फिर रिसीविंग दे देना है, ठीक है। ये तो हो गया रिसीट। पेमेंट में आपको मान लीजिए किसी कस्टमर को पैसा लेना है तो वो पेमेंट के लिए आपको चेक ला के देंगे, चेक लेना तो है, है फिर उसके बाद पेमेंट आपको उसको करना होता है, ठीक है। बैंक का काम ही होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो आपको कस्टमर को अपने सवाल जवाब से आपको सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक क्लर्क के पद पे करना है काम, वो ठीक है। मेरा पहला जॉब था दोस्तों, मेरी पहली जॉब लगी थी 2016 नवंबर में। 5 साल के बाद मैंने कोई दूसरा जॉब लिया है, फाइनली मैंने कोई दूसरा जॉब लिया है। तो बहुत सारी यादें जुड़ी है, घर का नौकरी था वो। खैर सपनों के लिए सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, ठीक है। तो वो सारी बातें अगर वो मैं सारी आपको बातें अगर मैं आपको भी यही बोलूंगी दोस्तों, ठीक है, कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वहीं नहीं रुक जाना है, ठीक है। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, नेक्स्ट लेवल सोचना है ताकि आप आगे बढ़ सके, ठीक। रही बात, ये तो क्लर्क की होगी, पीओ की भी इंटरव्यू अभी होनी बाकी है, तो खैर वो तो उसको लेकर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा। क्लर्क से रिलेटेड सारा कुछ मैंने बता दिया है, मैं 6 साल काम की हूँ एज अ क्लर्क, ठीक है। मल्टीपर्पज वर्क रहता है, घबराना नहीं है, सारा कुछ आपको आ जाएगा, बस आप एक बार ज्वाइन करने की देरी है, ठीक है। सारा कुछ आपको सिखा दिया जाता है।
है, ठीक है, आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है इसका। तो बहुत सारी डिमांड कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आ रही थी, तो मैंने बता दिया है, ठीक है, बिंदास होकर काम कीजिए, वहीं नहीं रुक जाना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, अपने सपनों को पंख देना है, ठीक है। तो मैं मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी डाउट्स रहा तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगी उन सवालों का जवाब देने का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।